नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम देखेंगे टमाटर चटनी। इजी है, एक 5 से 8 मिनट में हो जाती है ये। और अगर सब्जी कम है घर में और मैं लोग ज़्यादा है तो हम ये झट से बना सकते हैं और बहुत टेस्टी होती है। इस कारण सबको पसंद भी आती है। इसके लिए चाहिए हमें एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक, करी पत्ता लियो, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग और तेल। अब हम बनाते हैं टमाटर चटनी। तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे हींग और बारीक कटा हुआ प्याज। ये घर से बन जाती है ये चटनी। स्पाइसी होने के कारण हम इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। हमने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो करी पत्ता लियो हम बारीक इसे कट करेंगे और डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसमें। टमाटर डालेंगे, हल्दी पाउडर लगभग 1/4 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आपके स्वाद के अनुसार आप डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है वैसे डालेंगे। मैंने 2 चम्मच डाला है इसमें। चम्मच यानी मैंने टेबल स्पून का ये मेजरमेंट बता रही हूँ मैं आपको। में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार 1/2 टीस्पून। इसमें इसे मिक्सी में पीसने की जरूरत नहीं होती। टमाटर जैसे पकता है वैसे बस स्मैश होता रहता है। मिक्स हुआ है, 2 मिनट के लिए रखेंगे हम ऐसे ही। टमाटर की चटनी तैयार है, झट से बन जाती है, झटपट चटनी बनती है ये। गैस ऑफ कर लेंगे हम।
और सर्विंग डिश में निकालेंगे।